गाइस, वी विजिटेड शिवपुरी ऑन द वे बैक टू दिल्ली फ्रॉम चोपटा। लेट्स एक्सप्लोर शिवपुरी कैंपिंग। यू कैन वॉच आवर तुंगनाथ व्लॉग एज वेल इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट। लिंक इज देयर इन द आई बटन अबव। आज हम शिवपुरी में है। अभी शिवपुरी में भूचाल मचाएंगे। भूचाल कैंपिंग करेंगे। ओके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. तो ये वाला कैंप हमारा है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। अच्छा, नाम क्या है इसका कैंप का? ये रिवर जोन। रिवर जोन, ओके। सो गाइस, ये कैंप है जहाँ पे हम आज स्टे करने वाले हैं शिवपुरी के अंदर। बाकी एक बार फ्रेशन अप होके आपको दिखाता हूँ आगे बॉनफायर वगैरह। और सामने आपको दिख रही है ना, ये गंगा है यहाँ पर। तो हम रिवर साइड ही हम स्टे कर रहे हैं, कैंप से रिवर साइड ही है शिवपुरी में। साहब जी, रात को 12 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। You serious? So guys, आज हम हैं शिवपुरी के अंदर और थोड़ा सा फन कर रहे हैं यार। अभी नाइट हो चुकी है, अभी बॉनफायर से उठ के आए हम यहाँ पर। मैंने थोड़ा सा आपको टेंट्स का व्यू दिखाया है, बाकी मैं मॉर्निंग में आपको दिखाने वाला हूँ। हम रिवर साइड स्टे कर रहे हैं शिवपुरी के अंदर। बहुत अच्छे टेंट्स हैं यार, बहुत अच्छा व्यू है। कल मॉर्निंग में आपको गंगा का व्यू भी मैं दिखाऊंगा, हम जाएंगे सुबह मॉर्निंग में। बाकी अभी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं सारे भाई बैठ के। और यहाँ पर है हमारा भूचाल बॉय ऋषभ तिवारी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके शिवपुरी में? खतरनाक। हमने एक लोकेश भैया की रील बनाई है, बहुत खतरनाक, अल्टीमेट। सो गाइस, पाठक ब्लॉग्स को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, आपको बहुत अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेंगी वहाँ पर। और यार, यहाँ पर है हमारा लोकेश, हमारा स्वैगर बॉय, और ये है दीपक। हेलो। अपने आप को तो दिखा। और यहाँ पर मैं। सो गाइस, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं शिवपुरी के अंदर। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ का। और बाकी आपको डिटेल्स में बताऊंगा कैंपिंग के लिए, मतलब क्या क्या चार्जेस आते हैं, और कैंप्स भी मैं आपको घुमाऊंगा मॉर्निंग में। चलो फिर मिलते हैं सुबह, स्टे ट्यून। सो गाइज, वेलकम बैक टू पाठक व्लॉग्स। और आज मैं आपको लेके आया हूँ शिवपुरी, जो कि ऋषिकेश के बिल्कुल पास में है। और यहाँ पर हम रुके हैं रिवर जोन कैंप्स में। और यार, ये बिल्कुल ही रिवर साइड है। देखो, ये सामने दिखाई दे रही है ना रिवर, आपको गंगा रिवर। नाइट में बड़ा मज़ा आया हमें यहाँ पर, इन्होंने बॉनफायर कराई, डिनर बहुत अच्छा था। और मतलब ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी कैंपिंग है। ठंड कितनी है पे? जहाँ से कल हम आए ना चोपटा में, वहाँ पे स्नोफॉल हो गई, वहाँ पे भी हो गई, मनाली में भी हो गई, धनौल्टी में भी होगी है, कनातल, धनौल्टी कनातल। हाँ,
तो गाइस अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत अच्छे अच्छे फोटोज हमने कैप्चर करे हैं रिवर साइड। आपको ये पीछे दिखाई दे रही है, ये गंगा रिवर है और शिवपुरी में ये सारे कैंप्स पड़ते हैं, रिवर साइड कैंप्स हैं। अगर आप फोटोज़ कैप्चर कराने का शौक़ रखते हो तो मैं कहूँगा ये मस्ट विजिट प्लेस है। और दिल्ली NCR वाले लोगों के लिए तो यार एक या दो दिन का विजिट मतलब कि आप यहाँ आके इंजॉय कर सकते हो। और कैंप जिसमें हम अभी स्टे कर रहे हैं उसका नाम है रिवर जोन। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, हमें कॉस्टिंग बताई थी वो थी 1000 पर हेड, बट थोड़ा बार्गेनिंग हमने करी तो 700 में हमें पर हेड के हिसाब से टेंट्स पड़े हैं, जिसमें कि खाना है मतलब डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूड होता है और बॉनफायर भी आपको यहाँ पर मिलती है। चलो अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट करते हैं, स्टे ट्यून। सो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। बड़ा मज़ा किया यार, 3-4 दिन का हमारा ट्रिप था। इससे पहले हम तुंगनाथ गए थे चोपटा, उससे ऊपर चंचला का ट्रैक किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैंने आई बॉल में ऊपर दे दिया है। बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं तुंगनाथ में भी। जैसे आप तुंगनाथ से वापस आओगे दिल्ली की तरफ तो बीच में शिवपुरी पड़ता है ऋषिकेश से थोड़ा सा पहले, यहाँ पर भी अच्छी कैंपिंग होती है। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें टाइम टू टाइम। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। स्टे ट्यून्ड।